गंगा ज्ञान होम्योपैथी क्लिनिक पीएचई के सामने हनुमान चौराहे के पास एबी रोड गुना मध्य प्रदेश। गोल्ड मेडलिस डॉक्टर अजीत जैन होम्योपैथिक। गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश उत्सव के तारतम्य में आज आयोजित हुई गुना पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में विचार संगोष्ठी। रिटायर्ड कर्नल हरवंश सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन पर डाला प्रकाश। पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को बांटे पुरस्कार। विश्व एड्स दिवस के तारतम्य में आज गेल में विश्व एड्स दिवस पर ड्राइवरों में एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूकता के हेतु आयोजित हुआ सम्मेलन। मुख्य अतिथि मानव संसाधन महाप्रबंधक डीके जैन ने एड्स के क्षेत्र में संस्था की पहल को बताया सराहनीय। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आज बजरंगड़ में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा निकाली गई जन जागरण रैली। विजयपुर थाना प्रभारी ने भैंसों से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ा, 36 भैंसे की बरामद। नर्मदा परिक्रमा के 63वें दिन आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे ग्राम मांडवा। ग्राम में पहुंचकर नर्मदा कलश की पूजा अर्चना व आरती। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के माध्यम से अब वाहन चोरों को पकड़ने की पुलिस द्वारा की जा रही है कवायद। गुना में कांग्रेस ने शिवराज सिंह सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर निकाली रैली और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। गुना में बढ़ती हुई चोरियों को लेकर आज जैन समाज ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। फतेहगढ़ के ग्राम कलोरी में स्कूल में लापरवाही का आलम, कई शिक्षक आए दिन रहते हैं नदारद, ग्रामीणों ने की शिकायत। मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में शुमार हुआ गुना जिला। नीति आयोग के सदस्य आज पहुंचे गुना, ली अधिकारियों की बैठक। गुना कलेक्टर राजेश जैन ने सर्किट हाउस में किया नीति आयोग के सदस्यों का स्वागत। मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा आज चाचौड़ा में एक जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष द्वारा इंजीनियर्स के साथ मारपीट करने की घटना के विरोध में दिया जिला प्रशासन को ज्ञापन और तत्काल अध्यक्ष को पद से हटाने की और गिरफ्तार करने की मांग। कुकृत की घटनाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा जश्न मनाने को लेकर क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह ने उठाए सरकार पर सीधे सवाल। ईद मिलाद उन नबी के त्योहार के सिलसिले में नायब तहसीलदार अमित सिंह ने ली शांति समिति की बैठक, जुलूस और व्यवस्थाओं के बाबत लिए सुझाव। ग्राम बरोदिया में श्रीमद भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ का हुआ समापन। समापन के मौके पर पहुंचे भाजपा नेता इंजीनियर ओएन शर्मा, सैकड़ों लोगों ने की प्रसादी ग्रहण। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली ने किए 6 वारंटी गिरफ्तार। आरोन क्षेत्र में आज कलश यात्रा के साथ श्रीमद भागवत कथा का हुआ शुभारंभ, 7 दिन तक बहेगी धर्म की गंगा। गंगा ज्ञान होम्योपैथी क्लिनिक पीएचई के सामने हनुमान चौराहे के पास एबी रोड गुना मध्य प्रदेश। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अजीत जैन होम्योपैथिक।